छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है, जिसके चलते एसआई बनने का सपना पाले अभ्यर्थियों में अब निराशा देखने को मिल रही है। आज 100 से अधिक अभ्यर्थियों ने गृहमंत्री विजय शर्मा के निवास के सामने पहले धरना दिया और वहां डटे रहे। जब गृहमंत्री विजय शर्मा को आंदोलन की जानकारी हुई तो उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को बंगले के अंदर आमंत्रित किया और बाद में उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। गृहमंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि वे जल्द ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने के संबंध में आदेश जारी करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई अभ्यर्थियों ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। परीक्षा के परिणाम जारी नहीं हो रहे, इसे लेकर अभ्यर्थियों में रोष है। 6 साल से प्रक्रिया चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ गृह मंत्री के बंगले में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभ्यर्थी गृह मंत्री से बात कर रहे हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा उन्हें बता रहे हैं जो दिक्कतें हैं, तकनीकी खामियां हैं, उन सारी चीजों की यहां जानकारी दी जा रही है। और अभ्यर्थी भी बता रहे हैं कि पिछले 6 साल से वे काफी परेशान हैं, कई बार गुहार लगा चुके हैं, हर बार किसी न किसी कारण से परिणाम रोक दिया जाता है, लेकिन वे इसी आशा में बैठे हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी। और 6 साल से वे वर्दी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं जिसे जो है शासन दूर नहीं कर पा रहा है। सरकारें बदल चुकी है, उसके बावजूद जो है एसआई भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है वे जारी नहीं हो रहे हैं। इसके कारण आज वे सीधे गृह मंत्री बंगले के सामने बैठ गए थे। इसके बाद गृह मंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को बंगले के अंदर आमंत्रित किया और उन्हें यहां बैठाया गया। देखते ही उन्हें समझाइश दी कि जल्द ही जो है परिणाम जारी हो जाएंगे। आज आप लोग की बात हो चुकी है, आप लोगों की बात हुई है आज गृह मंत्री जी से, संतुष्ट हुए आप लोग? सर, संतुष्टि का बात नहीं है अभी तक। अभी हम लोग को जैसे सब लोग बैठे हुए हैं, कोई संतुष्ट नहीं हुए हैं अभी तक। मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो प्रोसेस है 6 साल से चल रहा है हम लोग का एसआई भर्ती का। 1 साल से हो गया हम लोग इंटरव्यू दिलाकर खड़े हुए हैं अभी आज, और जब भी होता है कोई भी एग्जाम होता है तो जिस दिन भी इंटरव्यू होता है उस दिन हमारा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। उसके लिए हम लोग यहाँ है वहाँ है ऐसे घसटाते जा रहे हैं। 10 बार से ज्यादा हो गया हम लोगों को आंदोलन करते हुए, लेकिन अभी तक को हमको वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। संतुष्ट हुए कि नहीं? जी सर, एक विद्यार्थी होने के नाते तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्या चाह रहे हैं और? सर, हमको रिजल्ट चाहिए आजकल। कितने दिन तक आजकल करेंगे सर? हमारे लिए एक एक 6 साल का समय काफी लंबा होता है और कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थी अब निराश हो चुके हैं। 6 साल का समय इतना लंबा हो चुका है कि आज वे फिर गृह मंत्री के बंगले पहुंचे हुए हैं और फिलहाल जो गृह मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 4 तारीख को आने के बाद उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, NH24/7 रायपुर।